धोती सलवार की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। धोती सलवार का मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 40 इंच, हिप 36 इंच, बॉटम 10 इंच, फुल लंबाई 40 इंच, हिप 36 इंच, मोरी 10 इंच। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालने का जो फॉर्मेट है, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस नेफर टर्निंग और बॉटम टर्निंग, इसी में हम ऐड कर देंगे। टर्निंग में फुल लेंथ हमारी है 40 इंच प्लस सीम अलाउंस 1 इंच प्लस टर्निंग के लिए हम रखेंगे 2 इंच। टोटल हो गया हमारा 43 इंच हमारी इसकी लेंथ निकल करके आई। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी आप कटिंग करोगे लेंथ के लिए, जो लेंथ के लिए लोगे उतनी ही हम चौड़ाई भी लेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। कपड़े पे कटिंग करते हो तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जितना हम लेंथ लेते हैं, मान लो हमारी यहाँ पे 43 लेंथ है, तो उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ही लेकर चलेंगे, क्योंकि जो कॉर्नर है, कॉर्नर से ऊपर जब हम बॉटम का निशान लगाते हैं तो वहां पर वो कपड़ा खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारी लेंथ कम हो सकती है। इसलिए हमें 5 से 6 इंच तक एक्स्ट्रा लेंथ और चौड़ाई में कपड़ा लेकर के चलेंगे। ड्राफ्टिंग के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ लेंथ ली, जितनी लेंथ ली है हमने उतनी ही हम इसकी चौड़ाई लेंगे। एक स्क्वेयर बॉक्स बना लेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हम इसकी बराबर रखेंगे। जितनी लंबाई लेनी है उतना ही इसकी चौड़ाई रखोगे। चारों रेखा हम इसकी इक्वल खींचेंगे। ये हम इधर भी लंबाई का निशान लगाएंगे। इधर जो लंबाई का निशान लगाएंगे वो हम डॉट में लगा रहे हैं। डॉट में क्यों लगा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। ये जो हम डॉट में लगा रहे हैं, इसको सेंटर में से हम टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे, एक कॉर्नर को उठा के दूसरे कॉर्नर से जब हम मिलाएंगे तो सेंटर में हमारा इसका फोल्ड साइड बन के आएगा। ये हमारा 2 पीस है। लंबाई चौड़ाई बराबर रखेंगे, जितनी लंबाई ली उतनी चौड़ाई लेनी है। ये हमारी लंबाई है सलवार की और ये चौड़ाई है। ये वाला जो कॉर्नर है, अभी देखो इस हिसाब से तो हमारी जो है ये 2 पार्ट है। अब इस कॉर्नर को, ये वाला कॉर्नर उठा के इस कॉर्नर पे लेके आते हैं। जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ट्रायंगल जो बनता है हमारा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे फोल्ड साइड बन के तैयार होगी। ये यहाँ पे, ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को उठा के इस कॉर्नर पे हम रखेंगे तो हमारा सेंटर में फोल्ड बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। जो ट्रायंगल बनेगा हमारा सेंटर में, ये जो लाइन मैं अब लगा रही हूं, ये हमारा फोल्ड साइड हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना है। पहले एक चौकोर बॉक्स बनाना है। बॉक्स के एक कोने को उठा के जब हम दूसरे कोने पे रखेंगे तो हमारा ये ट्रायंगल जो बनेगा और जो लाइन अभी खींची जा रही है ये सेंटर में, ये हमारी फोल्ड साइड हो जाएगी। इसको उठा के इधर रखा तो ये जो रेखा है, ये वाली, ये हमारी फोल्ड है, ये वाली और ये वाली लेंथ की और ये चौड़ाई की, ये ओपन है, ये
फोल्ड साइड है, ये मेन चीज है, इसका ध्यान देना है। सबसे पहले हमने लेंथ ली, चौड़ाई ली, इक्वल ली, जितनी लंबाई ली है उतनी हमने चौड़ाई ली है। इस कॉर्नर को उठा के उस कॉर्नर पे मिलाया तो ये वाली जो रेखा है हमारी फोल्ड साइड मिली हमें। ये फोल्ड होने के बाद यहाँ पे चार कलियां आ गई, दो ये वाली और दो ये। जब हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे मिलाया तो ये यहां से ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये हमारी कलियों की जो है फोल्ड साइड, यहाँ पे ये चार कली हो गई। अब हमें क्रोच एरिया निकालना है। सबसे पहले विड्थ ऑफ कली, जो कली की चौड़ाई है यहां से यहां तक, वो हम कैसे लेंगे? कपड़े का सारा अर्ज लेंगे, जितना भी हमारा कपड़ा है उसका सारा अर्ज लेंगे। विड्थ ऑफ क्लोथ का हा, जो भी अर्ज का कपड़ा हमारे पास है उस कपड़े का हाफ कर लेंगे। ये जो अर्ज है हमारा विड्थ ऑफ क्लोथ हुआ, ये हमारी लेंथ हुई, हमने इसको फोल्ड किया तो ये फोल्ड साइड आ गई। इसके बाद हम क्रोच लाइन निकालेंगे। क्रोच लाइन निकालने का जो मेथड है, हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच। हिप हमारा 36 है, 36 को डिवाइड किया 3 से, 12 इंच में 2 इंच प्लस किया इज इक्वल टू 14 इंच। 36 इंच को 3 से भाग करने पर 12 इंच मिला, 12 इंच में जमा 2 इंच किया तो 14 इंच हमें क्रोच लाइन मिली। इधर से हमें यहां निशान लगाना है क्रोच लाइन का। अब हमें बेल्ट के लिए बेल्ट लेंथ निकालने का जो फॉर्मेट है, हिप डिवाइड बाय 6, 36 को 6 से डिवाइड करने पे 6 इंच आया, ये हमारी बेल्ट की लेंथ होगी। बेल्ट की लेंथ के लिए यहां से हम ऊपर जाएंगे 6 इंच पर, ये जो हमारी कलियों की लेंथ है, कलियों की लेंथ से बेल्ट की लेंथ के लिए 6 इंच ऊपर गए। अब हम बेल्ट की चौड़ाई निकालेंगे। बेल्ट की विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। 36 को 4 से भाग करने पर 9 इंच मिलता है, 9 इंच में जमा 2 किया तो 11 इंच, 11 इंच बेल्ट की चौड़ाई होगी। लेंथ से मिला देंगे 11 इंच चौड़ाई होगी और 6 इंच इसकी लंबाई होगी बेल्ट की। अब यहां से यहां तक हमें निकालना क्रोच लाइन। क्रोच लाइन जो हमें निकाली थी, हमें यहां मिली थी 14 इंच, 6 इंच हमारी आई बेल्ट। 14 इंच में से 6 इंच माइनस करके, ध्यान देना है, 14 इंच में से 14 इंच माइनस 6, ये जो 14 इंच है हमारी क्रोच लाइन है और ये 6 है हमारी बेल्ट।
क्रोच लाइन में से बेल्ट को माइनस करना है, 14 में से 6 इंच माइनस किया तो हमें 8 इंच मिला। 6 इंच ये हो गया, 8 इंच यहाँ पे नीचे आना है और 8 इंच नीचे आके निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद क्रोच एरिए की चौड़ाई निकालनी है, क्रोच विड्थ हिप डिवाइड बाय 24, 36 को 24 से डिवाइड करने पर 1.5 इंच मिला। 1.5 इंच क्रोच की चौड़ाई रखनी है, यहां से यहां अंदर की तरफ आना है 1.5 इंच, 1.5 इंच आके इसको सीधा मिला देना है। 8 इंच लंबाई रखनी है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। चौड़ाई हमारी है हिप डिवाइड बाय 24 यानी 1.5 इंच, इसकी यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे क्रोच एरिया की। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे टोटल जो क्रोच एरिया है ये है हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 14 इंच, ये हमारा यहां से यहां तक है। बेल्ट जो बेल्ट की लेंथ हमने रखी वो रखी हमने 6 इंच की, और ये जो कली में हमने क्रोच की लेंथ रखी है यहां से यहां तक ये हमने रखी है 8 इंच की। ये हमारा जो है विड्थ ऑफ क्लोथ है, यहां से यहां तक जो भी है हमारे कपड़े का अर्ज है। ओपन साइड है ये यहां से यहां तक हमारी फुल लेंथ है। फुल लेंथ ये ओपन साइड है, यहां पे ये ओपन साइड होगी, यहां पर भी जो चौड़ाई है ये ओपन साइड होगी। ये हमारी फोल्ड साइड होती है धोती सलवार में। हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 इंच हमने बेल्ट की चौड़ाई रखी। बॉटम हमारी है 10, बॉटम का हाफ करना है। बॉटम हमारी 10 इंच है, 10 इंच का हाफ किया 5 इंच। यहाँ पे दो तरीके होते हैं धोती सलवार में, आप जो बॉटम बनाओगे उसमें या तो ये जो कॉर्नर है इससे ऊपर जहां भी आपका पांच आ रहा है यहाँ पे आप इसको इस प्रकार मिला दीजिए। दूसरा अगर आपको नोक वाली बनानी है तो आप यहां से लाइन जो हमारी लंबाई है उधर से यहां कट लगा देंगे 2 पॉइंट का और उसको इससे मिलाएंगे। ये यहां पे कट लगेगा और ये नोक वाली बन जाएगी। अगर हमें बॉटम थोड़ी विड्थ में चाहिए तो हमारा जहां भी हमारी विड्थ आती है वहां पे इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये बॉटम का हाफ 5 इंच है, ये यहाँ पे हमारी बेल्ट है, ये 4 कलियां हैं, ये हमारी धोती सलवार की ड्राफ्टिंग बनके कंप्लीट हुई है।